गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू हनी एंड टेक। हनी एंड टेक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैट फिशिंग के बारे में। आप सभी जानते हो मैं हनी एंड टेक के सारे वीडियो में जो साइबर अटैक्स होते हैं, डिफरेंट जो फ्रॉड्स होते हैं, फिशिंग अटैक होते हैं, उसके बारे में कवर करती हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कैट फिशिंग। कैट फिशिंग नाम सुन के आपको ये तो समझ में आ गया रहेगा इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ अ फिशिंग, बट ये थोड़ा अलग है। कैट फिशिंग में एक्चुअली होता क्या है, आपको आपके फेसबुक प्रोफाइल पे, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे या कोई भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे आपको एक रिच पर्सन का या फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है जो पहले इनिशियली आपसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेगा। वो अपने आप को इस तरह से प्रिटेंड करेगा कि उसके पास सारी फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, बट ही जस्ट वॉन्ट टू मेक अ फ्रेंड, ही और शी जस्ट वॉन्ट टू मेक अ फ्रेंड और आपका टाइम चाहिए। फेसबुक प्रोफाइल पे या इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे जाओगे तो ज़्यादा नंबर्स नहीं होंगे, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे, लेकिन इस तरह से रिच और लैविश लाइफ के फ़ोटोज़ वो पब्लिश करेंगे जिससे आपको लगेगा कि ही और शी इज़ फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड। सो इसमें होता क्या है, आपके साथ बात किया जाता है, आपका समय लेते हैं। इट्स नॉट इंस्टेंट, इट मे टेक 1 month, 2 month और 3 months ऑफ टाइम जहाँ पे आपके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, आपका कंफर्ट ले लेते हैं। उसके बाद दे ट्राई टू से दैट दे वॉन्ट टू शेयर एन एक्सपेंसिव गिफ्ट विथ कंसिडरेशन के लिए, विथ योर सपोर्ट एंड लव, वो आपको एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देना चाहते हैं। तो कोई भी, क्योंकि वो पीरियड होता है 1 से 3 months या 6 months के पीरियड में उनका कंफर्ट आ जाता, सो वो आपको एक गिफ्ट भेजने की कोशिश। इसमें मोटिव सुप्रेंडी ये है कि एक आपको जो गिफ्ट भेजा जाता है वो एक्चुअली कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट होता ही नहीं है। इसमें आपको क्या होता है, आपको सारी डिटेल्स जो उन्होंने जिस मोड से आपको सेंड किया है वो इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। और क्या होता है, कस्टम ऑफिसर, आपको एक कस्टम ऑफिसर से कॉल आ जाता है दैट आपका ये जो कुरियर है, आपका जो पार्सल है गिफ्ट, ये यहाँ पे कस्टम में अटका हुआ है, यू नीड टू पे सम कस्टम फीस टू गेट योर एक्सपेंसिव गिफ्ट। यस, दिस इज द ट्रिगर जहाँ पे आपको बोला जाता है कि मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव रिंग भेजी या काफ़ी मैंने एक्सपेंसिव मोबाइल भेजा या कोई भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, और उसके बदले आपसे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फीस जो कस्टम ऑफिसर प्रिटेंड करता है। ये पूरा एक रैकेट होता है जहाँ पे कस्टम ऑफिसर भी फ्रॉस्टर होता है, वो भी मिला हुआ रहता है। कितने सारे लोग वो गिफ्ट मिलने के चक्कर में वो जो कस्टम फीस की जो ड्यूटीज़ है वो पे कर देते हैं। और यही हुआ है 2021 में, काफ़ी सारे स्कैम्स मार्केट में आए हैं जहाँ पे ये पता चला है कि फ्रेंडशिप होती है, कंफर्ट दिया जाता है, फैमिली फ़ोटो, लैविश लाइफ की फ़ोटो शेयर किया जाता है जिससे किसी को भी लगे कि ये जेन्युइन प्रोफाइल है, और उसके बाद ये स्टार्ट होता है, कंफर्ट जोन मिल जाता है, फ्रॉस्टर को पता चल जाता है कि ये कंफर्ट जोन है, और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि आप वो गिफ्ट लेने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, तो फिर ये एंगल स्टार्ट होता है। सो मैं आपको लेके चलती हूँ स्क्रीन की तरफ जहाँ पे मैंने डायग्राम्स के बेसिस पे बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया कि इस तरह का कैश फिशिंग फ्रॉड किस तरह से होता है। सो सबसे पहले क्या होता है, फ्रॉडस्टर्स लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल ऑफ अ पर्सन वो कैन टारगेट टू अ कॉन्टैक्ट हिम हर यूजिंग फेक फेसबुक और ईमेल अकाउंट। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वहाँ पे फ्रॉडस्टर्स टेल द पोटेंट विक्टिम दैट ही शी हैज सेंट अ गिफ्ट वर्थ मिलियंस ऑफ रुपीज, एंड यहाँ पे यूरो डॉलर या इंटरनेशनल डॉलर्स की ही बात होती है, तो सामने वाले को अट्रैक्ट हो सके, कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट से लेके सेकेंड स्टेप का जो पीरियड है ये 1 to 6 months ऑन एन एवरेज होता है, बिकॉज दे ट्राई टू फर्स्ट डेवलप एन फ्रेंडशिप। नेक्स्ट थर्ड स्टेप होता है जहाँ पे विक्टिम फॉल इन टू अ ट्रैप, सेंड्स मनी टू द फ्रॉस्टर्स ओनली टू गेट नथिंग। विक्टिम को बोला जाता है कि आपको वो कस्टम ड्यूटी पे करनी है, आपको कुछ फीस पे करनी है जहाँ पे आपको ये गिफ्ट मिल सके। वहाँ पे उनका जो रैकेट मेंबर है, अनदर गैंग मेंबर, वो एक कस्टम ऑफिसर की तरह प्रिटेंड करता है और वो विक्टिम को कॉन्टैक्ट करता है और पैसे मांगते हैं टू रिलीज द गिफ्ट्स। ओके, सो फ्रॉस्टर्स को, फ्रॉस्टर एंड कस्टम ऑफिसर की ये मिली भगत होती है जहाँ पे इस तरह से कॉल किया जाता है। एंड जो नेक्स्ट स्टेप है, जो फ्रॉस्टर्स होता है क्लेम करता है जो गिफ्ट है वो कस्टम ऑफिसर ने रख दिया है, मोर क्लियरेंस के लिए दे ट्राई टू ड्यूप द कस्टमर बाय आस्किंग फॉर अ मोर मनी। सो इसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस है 3rd, 4th, 5th प्रोसीजर के टाइम पे, अगर कोई विक्टिम उस गिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा उन्हें लगता है ये गिफ्ट चाहिए तो वो और पैसे मांगने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से फ्रॉस्टर्स अपने पैसे, कस्टम ड्यूटी ऑफिसर जो प्रिटेंड करता है, वो दोनों मिलके विक्टिम से पैसे लेने की
कोशिश करते हैं। इसी तरह की रिसेंट स्कैम्स हुआ है 2021 में, ये स्कैम्स आया जहाँ पे लैक्स ऑफ रुपीस, 10 लैक्स, 20 लैक्स ऑफ रुपीस ये कस्टम क्लियरेंस में ही काफ़ी विक्टिम ने पे किए हैं। तो समझ ही गए होंगे कैट फिशिंग फ्रॉड किस तरह से होता है, आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको जो सोशल मीडिया से जहाँ से रिक्वेस्ट आती है, आपको ये चेक करना है कि इनके अकाउंट में कितने इनके फ्रेंड्स हैं। एज ऑन टुडे ऑन एन एवरेज 300-200 से प्लस ही किसी भी जेन्युइन प्रोफाइल के फ्रेंड्स होते हैं, उससे कम है 10-12 है तो ज़रूर ये फेक प्रोफाइल है मीडिया पे। सेकेंडली, अगर आपने कोई सोशल मीडिया पे फ्रेंड बनाया तो ये बात समझ लीजिए कि कोई भी सोशल मीडिया फ्रेंड आज के दिन में आपको कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं भेजेगा। तो ये भी ट्रिगर है कि अगर आपको ये इस तरह का बताया जाता है, आपकी फ्रेंडशिप में ये एंगल आ रहा है कि आपको बिना मिले सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू आपकी फ्रेंडशिप हुई है, कम्फर्ट जोन मिल गया और फिर आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रिगर। थर्ड, अगर आपको कस्टम ऑफिसर से फ़ोन आता है और इस तरह से आपको कोई पेमेंट करने के लिए बोलता है, दैट इटसेल्फ इज़ अ ट्रिगर। सो डू नॉट फॉल इनटू सच ट्रैप और किसी को भी इस तरह से आप मनी मत दीजिए। और बाकी आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर नहीं करनी है, मैं हमेशा से बता रही हूँ इस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं। तो ये था कैट फिशिंग फ्रॉड, जिसमें मैंने आपको पूरा बताया है किस तरह से होता है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ये सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड है, ये ट्रेंडिंग फ्रॉड हो रहा है जो काफ़ी लोगों से हो रहा है। वेल एजुकेटेड लोग भी इस तरह के फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं। तो प्लीज़ ये मेरा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी इस तरह के फ्रॉड्स के बारे में पता नहीं है, जिनको समझना है साइबर अटैक फ्रॉड क्या होता है, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you so much for watching my video. Thank you so much for being with Honey and Tech. Have a good day ahead.